व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एगो एंड बिफोर। ओके, तो एगो मींस भी पहले होता है, बिफोर मींस भी पहले होता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, कहां पर एगो यूज करेंगे, कहां पर बिफोर यूज करेंगे, मीनिंग तो सेम है। तो आज यही आज आपको मैं क्लियर करूंगा। जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था आपको कि एगो का यूज कहां पर होता है, लेकिन इसको देखिए, एगो उस जगह पर यूज होता है जहां पर तुरंत, मतलब जो अभी तत्काल जो टाइम चला 14 फरवरी है, मतलब अभी जो टाइम चला तत्काल से कुछ समय पहले, तत्काल से जो समय पहले आएगा तो वहां पर एगो। और खास तरीके से देखा जाता है एगो केवल हम समय के लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर टाइम, केवल हम समय के लिए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्शन से पहले के भी लिए यूज कर सकते हैं, और किसी पर्सन से पहले के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट, यहां पर करते हैं, लेकिन एगो ओनली टाइम के लिए, तत्काल। यहां पर जो है ये जो डेट है मान के चलते 14 फरवरी है, और 14 फरवरी से तुरंत जो पीछे आएगा वहां पर एकदम जो अभी जो टाइम है, यदि अभी का टाइम मान के चलते 7 बज रहा है, तो 7 बजे से पहले जो कुछ भी अभी होगा तो वहां पर हम लोग एगो का यूज करते हैं, एकदम तुरंत, तत्काल पहले, या तत्काल पहले। जैसे मैं बोलूंगा, आप लोग फेसबुक पर अपलोड करते होंगे, जस्ट कोई भी फोटो अपलोड करते होंगे, तो वहां पर बताता होगा अ मिनट एगो, मतलब एक मिनट पहले, 14 सेकेंड एगो, मतलब तुरंत से, अभी से 14 सेकेंड, एक मिनट, दो मिनट पहले। ओके, मैं बोलूंगा 10 सेकेंड पहले, अभी से, मतलब तत्काल से पहले, 10 सेकेंड पहले, 10 सेकेंड पहले, क्या लिखेंगे, 10 सेकेंड एगो, 10 सेकेंड पहले। मिनट की बात आ गई, अच्छा भाई एक मिनट हो गया, तो बोला जाएगा एक मिनट पहले, मैंने एक मिनट पहले अपलोड किया, अ मिनट एगो, बड़ा सिंपल सी बात है, अ मिनट एगो। ओके ओके, दो दिन पहले, मतलब आज से दो दिन पहले, तो टू डेज एगो, ओके, 3 घंटा पहले, मतलब अभी से 3 घंटा पहले, तो 3 आवर्स एगो। हमेशा एक टाइम के लिए यूज करेंगे, दूसरी जगह पर नहीं, केवल समय से पहले, जो तत्काल है उसी समय से पहले की बात आएगी। अच्छा, दो सप्ताह पहले, मतलब जो चल रहा है उससे ठीक 2 सप्ताह पहले, तो 2 वीक एगो। ओके, बातें क्लियर हुई। ओके, 4 महीना पहले, तो 4 मंथ एगो, 4 मंथ्स एगो। 3 साल पहले, अर्थात जो अभी चल रहा है, 3 साल पहले, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले। ओके, 6 महीना पहले, 6 मंथ्स एगो, 6 मंथ्स एगो। ऐसा हम लोग देखे थे एगो का यूज, जो अभी तत्काल जो टाइम चल रहा है उससे ठीक पहले की बात की जाती है, और ओनली यह टाइम के लिए आता है, दूसरा किसी जगह नहीं आता है। लेकिन यह जो आता है, जो टाइम की बात करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि अभी यह तत्काल चलेगा, हो सका, अरे जब तुम आए थे, तुम कितने तारीख को आए थे, अच्छा तुम 15 तारीख को आए थे, ठीक उससे दो दिन पहले, तो 15 जनवरी से पहले। अब ये हमारा अभी से बात नहीं कर रहा है, जब अभी से तत्काल से बात नहीं करेगा तो वहां पर हम लोग बिफोर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेकिन ये जो एगो का यूज होता है, जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश, 10 सेकेंड पहले का एगो, 1 मिनट एगो, लेकिन बिफोर में क्या होता है, पहले बिफोर लिखेंगे, अप टू डेट 15 जनवरी। ओके, तो ये बिफोर का कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है। ओके, और ये एगो का कॉन्सेप्ट सीधा चलता है, सिंपल सी बात है, 15 जनवरी से पहले, तो सबसे पहले पहले का यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिफोर 15 जनवरी। ओके, अभी से नहीं, जब बात होगी वहां पर तत्काल रह जाएगा, मैं बोलूंगा तुमसे पहले। अभी टाइम है क्या तुमसे, नहीं टाइम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बिफोर, पहले का बिफोर और तुमसे का यू, बिफोर यू, तुमसे पहले, मुझसे पहले, बोल दो क्या होगा, मुझसे पहले, पापा से पहले, पापा से पहले, खाने से पहले, खाने से पहले। ओके, 6 महीना पहले, 6 महीना पहले, 4 साल पहले,
चार साल पहले, जाने से पहले, जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, टीचर के पढ़ाने से पहले, टीचर के पढ़ाने से पहले, ओके, मम्मी के आने से पहले। अब देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो टाइम जो ठीक पहले की बात नहीं होती, आज से तत्काल से पहले की बात नहीं होती, मुझसे पहले, अरे बता दे तुम कब आए थे, तो मुझसे पहले, पहले तो मुझसे टाइम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बिफोर मी, राइट। पापा से पहले बोल दो, क्या लिखेंगे, पहले का बिफोर पापा का पापा, बिफोर पापा। खाने से पहले तो सिंपल सी बात है, बिफोर, और खाने से तो बिफोर ईटिंग लिखेंगे, केवल एक्शन रहेगा तो आईएनजी, बिफोर ईटिंग, ओके। छह महीना पहले तो क्या लिखेंगे, बिफोर सिक्स मंथ, बिफोर सिक्स मंथ्स। चार साल पहले तो बिफोर फोर इयर्स, फोर इयर्स। जाने से पहले तो क्या लिखेंगे, बिफोर गोइंग, बिफोर गोइंग। अब देखो बस एक्शन था, लेकिन अब उसमें सब्जेक्ट भेजे, तुम्हारे जाने से पहले तो क्या लिखेंगे, बिफोर गोइंग, बिफोर, सॉरी तुम्हारे जाने से पहले, बिफोर यू गो, तुम्हारे जाने से पहले। टीचर के पढ़ाने से पहले तो बिफोर टीचर, बिफोर टीचर टीचस, बिफोर टीचर टीचस। मम्मी के आने से पहले, बिफोर मम्मी कम्स, मम्मी के आने से पहले, ओके। ये सब रही बात है, तो एगो तत्काल से पहले, तत्काल जो टाइम चल रहा है, और बिफोर का कॉन्सेप्ट कोई जरूरी नहीं, तत्काल है, कोई भी रहे, मुझसे पहले टाइम से आएगा लेकिन वो टाइम तत्काल से नहीं रहेगा, दो साल पहले, चार साल पहले, लेकिन हो सके तुम्हारे आने से चार साल पहले, जब वो मर गए उससे चार साल पहले, हाँ ऐसी बात आती है, तो वहां पर जो बिफोर का कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन बिफोर का कॉन्सेप्ट हम समय के लिए तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक्शन से पहले आएगा, किसी पर्सन से पहले, किसी एक्शन मतलब खाने से पहले, जाने से पहले, उठने से पहले, किसी व्यक्ति से पहले, मुझसे पहले, तुमसे पहले, पापा से पहले, तो वहां पर बिफोर का कॉन्सेप्ट, और बाकी जगह पर क्या आएगा, ईगो का कॉन्सेप्ट आता है। बाकी समझ आए, तो आज हमने क्लियर किया आपके माइंड से टोटली ईगो एंड बिफोर का कंफ्यूजन। अब शायद आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, यदि कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कंफ्यूजन रह गया, मैं ट्राई करूंगा उसको हर तरीका से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए।